सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वक्त अच्छा जरूर आता है मगर वक्त पर ही आता है। जब दिमाग कमजोर होता है परिस्थितियाँ समस्यामय बन जाती है। जब दिमाग स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है, लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। किसी के कहने भर से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा और सच्चा है। आज का पंचांग 31 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात्रि 8:19 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र शाम 5:58 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:22 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। वृषभ राशि 31 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार, आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है। आज भी शुभ की शुरुआत आपके घर से ही होगी और आपको नई कामयाबी दिलाएगी। आप विशेष लय में हैं। आज के दिन सार्थक होगा। मुश्किल समय में भी अपनी मुस्कान और हौसला बनाए रखें। आपकी सकारात्मक दृष्टि आपको औरों से अलग मुकाम पर ले जाएगी। भाग्य के भरोसे रहने की अपेक्षा अपने कर्म पर अधिक विश्वास रखें। कर्म से ही भाग्य बनता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित होगी तथा भाग के नए आयाम पाने में भी सक्षम रहेंगी। परिवार से दूर रहना आज आपको उदास बना सकता है। कड़ी मेहनत के बावजूद भी मनचाहा यश मिलने में और वक्त लगेगा। मित्र परिवार का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आपका बढ़ता जनसंपर्क आपके लिए नए अवसर प्रदान कर सकता है। सरकारी कामों में देरी होगी। सावधानियां, बंटवारे संबंधित मामलों को लेकर किसी रिश्तेदार के साथ वाद विवाद हो सकता है। बेहतर होगा कि गुस्से की वजह शांतिपूर्ण तरीके और संयम से काम ले तथा आपसे बातचीत द्वारा स्थितियां जल्द ही अनुकूल हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। ग्रहों की स्थिति के कारण आपके संबंध में कुछ उलझन का समय चल रहा है। पिछले कई दिनों में बहुत सारी घटनाएं हुई है और आपने रक्षात्मक रूप अपना लिया है, जिससे आप केवल अपना सर नीचा करके शांति बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि यही वो समय है जब आपको अपने रिश्ते की गहराई को जानने के लिए अधिक आक्रामक रुख अपनाने की जरूरत है। आपका व्यवसाय और घर दोनों जगह संतुलन बनाकर रखने में माहौल खुशनुमा रहेगा। साथी का साथ मिलेगा। बात करते हैं करियर की। जहां तक वित्तीय मामलों का सवाल है, आज आप एक बुद्धिमान निर्णय लेंगे। सलाह आपका उचित मार्गदर्शन करेगी, तो आज छोटे लाभ से संतुष्ट रहें। शेयर बाजार में लगे लोग आज बड़े शेयरों के निवेश से बचें। अपने भीतर की आवाज सुनकर अपने अंतर्ज्ञान से काम करें। आलस्य तथा फालतू के कामों में समय व्यर्थ ना करें। कार्य क्षेत्र में व्यवसायिक नए अवसर प्राप्त होंगे, इसीलिए अपनी पूरी ऊर्जा व
क्षमता अपने काम पर ही लगाए। विद्यार्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने से नियुक्ति प्राप्त हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। आज आपको अपने खाने के बारे में अतिरिक्त सावधानी रखनी है। अपचय और पेट की तकलीफ तो सामान्य हो ही सकती है, कईयों को इससे गंभीर तकलीफ भी हो सकती है। तले भुने खाने, जंक फूड और मीठे स्नैक्स से दूर ही रहें। अगर सही सावधानी नहीं रखी तो लंबे समय से बीमारी से परेशान व्यक्तियों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। व्यायाम हल्का करें या आराम करें। आज का उपाय, आज आप शनि भगवान जी को तेल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।